तीस्ता सीतलवाड़ को क्राइम ब्रांच ने 25 जून को हिरासत में लिया है। तीस्ता के अलावा संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 2002 के दंगों के मामले में तत्कालीन राज्य के सीएम नरेंद्र मोदी को दोषमुक्त करने के खिलाफ एक अपील को खारिज किया गया था, जिसके बाद तीस्ता एक बार फिर से सुर्खियों में आई। आइए जानते हैं तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में। तीस्ता सीतलवाड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार है। तीस्ता सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस सीजेपी की सचिव भी हैं, जो 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों की वकालत करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। सीजेपी ने गुजरात राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और 62 अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों में उनकी सहभागिता के लिए आपराधिक मुकदमे की मांग की थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि तीस्ता का संगठन नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस द्वारा स्थापित या संचालित किया जा रहा है। बता दें कि 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में पीएम मोदी को दी गई एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए कहा कि कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने याचिकाकर्ता जकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण गलत उद्देश्यों के लिए किया है। अब बात करते हैं तीस्ता के खिलाफ लगे आरोपों की। तीस्ता पर लगे कई आरोपों में से एक उन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। आरोप है कि तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद ने 2007 से 2014 तक बड़े पैमाने पर धन संग्रह अभियान यानी फंड कलेक्शन कैंपेन शुरू करके दंगा पीड़ितों के नाम पर 6 से 7 करोड़ रुपए तक की धनराशि एकत्र कर एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इस डोनेशन के लिए उन्होंने अपनी एक पत्रिका में विज्ञापन दिया और कई म्यूजिकल और आर्टिस्टिक इवेंट कर पैसा उठाया। अदालत में यह आरोप लगाया गया था कि इन डोनेशन को दंपति ने शराब और खाने जैसी अन्य चीजों पर खर्च कर दिया। तीस्ता इन आरोपों के खिलाफ दावा कर चुकी है कि ऐसा करके उन्हें केवल फंसाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने यह कहकर जवाब दिया कि कानून केवल अपना काम कर रहा है। तीस्ता के खिलाफ एक और आरोप है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन किया और 2009 में यूएस आधारित फोर्ड फाउंडेशन द्वारा अपने एनजीओ को दान किए गए धन का दुरुपयोग किया। बता दें कि तीस्ता पर 468, 471, 194, 211, 218, 120 बी की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। तीस्ता के अलावा संजीव भट्ट भी हिरासत में लिए गए, जो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। 1990 में गुजरात के जामनगर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी ये रह चुके हैं। भट्ट समेत अन्य अधिकारियों ने बीजेपी और वीएचपी द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान कथित रूप से सांप्रदायिक दंगा कराने के आरोप में जाम जोधपुर शहर से वैश्नानी सहित 133 लोगों को गिरफ्तार किया था। नवंबर 1990 में वैश्नानी की मृत्यु के बाद उनके भाई अमृत लाल ने आरोप लगाया था कि भट्ट और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई यातना के कारण वैश्नानी की मृत्यु हुई। आरबी श्री कुमार दूसरे शख्स हैं, इन्हें भी हिरासत में लिया गया है। ये पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस रहे। श्री कुमार, जिन्होंने 2002 के दंगों के दौरान पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने का आरोप लगाकर गुजरात सरकार को हिला दिया था।